दोस्तों, हम सारे लोग ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि हमेशा हम खुश रहें और हमारी ज़िंदगी में कभी परेशानियां ना आए। इसलिए जब हम किसी परेशानी का शिकार होते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये परेशानी क्यों आई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। दोस्तों, ये जो परेशानियां हैं इनसे हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो परेशानियां हैं वो ज़िंदगी में बहुत उपयोगी होती हैं। रहीम दास हमारे देश के एक बहुत ही महान कवि हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब होए। दोस्तों, जब हम किसी परेशानी में फंसते हैं थोड़े समय के लिए, तो उसी समय हमें पता चल जाता है कि कौन सच्चे लोग हैं कौन झूठे लोग। जो हमारे सच्चे मित्र हैं और सच्चे हितैषी हैं वो हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़े होते हैं, और जो लोग सिर्फ स्वार्थ की वजह से हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमसे उस क्षण दूर हो जाते हैं। इसलिए जब परेशानियां आती हैं तो हमें ये मौका मिलता है ये जानने का कि कौन हमारा अपना है, कौन सच्चा आदमी है और कौन हमारा पराया है और कौन बुरा आदमी। तो इसलिए दोस्तों, अगर हमें परेशानियां आती हैं तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ज़िंदगी में तो हम अपने को बहुत तीरंदाज समझने लगते हैं, बहुत अपने को समझदार समझने लगते हैं, लेकिन जब हम गिरते हैं, जब हम परेशानियों में फंसते हैं और जब उस तकलीफ़ से गुजरते हैं, तब हम अपने अंतर आत्मा को देखते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से हमें इस परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। और इस तरीके से जब परेशानियां होती हैं तो हमें सीखना चाहिए उन बातों के बारे में जो हम गलत करते हैं, और इस तरीके से अगर हम उससे सीखेंगे और उन बातों को दोबारा नहीं करेंगे तो आने वाली परेशानियों से भी हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो परेशानियाँ आती हैं उससे विचलित ना होएं, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा हर आदमी को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उस परेशानियों से सीखें कि अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और अगर आप उन परेशानियों से सीखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी।